सब्जेक्ट है, फिर गठबंधन किसके साथ, पहले वाले के साथ या फिर दूसरे वाले के साथ? वर्ग के सामने ये द्वंद है, उधर मुंह में है, ये डिलेमा में है कि आखिर क्या करें, पहले वाले के साथ जाऊं या फिर दूसरे वाले के साथ। नंबर वन और सब्जेक्ट नंबर टू, अगर इन सारे शब्दों के जरिए कंबाइन होकर सब्जेक्ट के स्थान पर पहुंचता है तो वर्ब सोचता है कि दो दो सब्जेक्ट है, फिर गठबंधन किसके साथ हो। वहां पे हम दो अलग अलग एंटिटी की बात कर रहे होते हैं। उसी प्रकार अगर दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर वन और सब्जेक्ट नंबर टू, अगर इन सारे शब्दों के जरिए कंबाइन होकर सब्जेक्ट के स्थान पर पहुंचता है तो वर्ब सोचता है कि दो दो सब्जेक्ट है, फिर गठबंधन किसके साथ हो, पहले वाले के साथ या फिर दूसरे वाले के साथ। वर्ब के सामने ये द्वंद है, उधर मुंड में है, ये डिलेमा में है कि आखिर क्या करे, पहले वाले के साथ जाऊं या फिर दूसरे वाले के साथ। बहुत इसने एक ही करके, वर्ब आपके इतना बुद्धिमान नहीं है, नहीं तो एक ही करके सबके साथ चला जाता है कि सिनेमा फर्स्ट वाले के साथ और रेस्टोरेंट किसी और के साथ, सेकंड वाले के साथ, रिचार्ज आप करवा दीजिएगा, आइसक्रीम कोई और खिला देगा। देखिएगा, लेकिन प्यारे भाई बहनों, वर्ब ऐसा कपटी नहीं है। वर्ब कहता है कि देखो तुम दोनों आए हो ना, अब इन दोनों में जो बाहुबली होगा, जो शक्तिशाली होगा, हमारा गठबंधन उसी के साथ होगा। ये सारे शब्द एज वेल एज बिसाइड्स इन एडिशन टू लाइक अनलाइक विद अलोंग विद टुगेदर विद एंड नॉट रादर देन नो लेस देन लेड बाय गवर्न्ड बाय कंपनीड बाय रूल्ड बाय इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, ये ऐसे शब्द हैं जब भी दो सब्जेक्ट को कंबाइन करते हैं तो इंपॉर्टेंट दूसरे वाला नहीं, इंपॉर्टेंट पहला वाला हो जाता है। और जो इंपॉर्टेंट होगा वर्ब उसी के साथ गठबंधन करेगा। अभी पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में कि इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या फिर और, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या फिर, अगर इन सारे कंजंक्शन के जरिए अगर हम दो सब्जेक्ट को कंबाइन करते हैं तो वर्ब का अग्रीमेंट किसके मुताबिक। बहुत बच्चे नियरेस्ट कह रहे हैं और बहुत बच्चे कह रहे हैं क्या, सेकेंड वाले के मुताबिक। तो देखिए इधर और में लॉजिक क्या है, इधर और में कहा जाता है नियरेस्ट के मुताबिक, सेकेंड वाले के मुताबिक नहीं, नियरेस्ट। वाई नियरेस्ट, तो इधर और से जब भी दो सब्जेक्ट को कंबाइन किया जाएगा तो दोनों शब्द इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों शब्द इक्वल रैंक के होते हैं। इधर के बाद भी जो शब्द है और के बाद भी जो शब्द है, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जब इक्वली इंपॉर्टेंट है तो वर्ब सोचती है इधर के बाद जो शब्द है वो भी शाहरुख खान और के बाद जो शब्द है वो भी शाहरुख खान, तो मेरे करीब कौन है। अगर मान लीजिए एक शाहरुख खान मुंबई में है और एक शाहरुख खान दिल्ली में है और वर्ब दिल्ली में है, तो स्वाभाविक है वर्ब पे फिर दूर क्यों जाऊं, मुंबई क्यों जाऊं मैं, जो नजदीक में है कोई अंतर ही नहीं है, नियरेस्ट के साथ गठबंधन हो जाता है। यही लॉजिक है कि इधर और में बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन एज वेल एज के कंडीशन में बोथ आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं।